नई गाइडलाइंस आई है, उसके अंदर 5 बजे सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, मार्केट सब बंद हो जाएंगे और 6 बजे से कर्फ्यू रहेगा जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। इसकी कठोरता से पालना कराई जाएगी और इसके संबंध में आज हमारे सारे जो पुलिस अधिकारी, एरिया मजिस्ट्रेट से उनकी भी हमने 4 बजे मैंने और SP साहब ने बैठक बुला रखी है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस दौरान बिल्कुल भी जो गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना नहीं हो, लोग कर्फ्यू का पालन करें और अगर हम अगले 20-25 दिन अच्छी तरीके से, जब तक ये वैसे 30 तारीख तक की गाइडलाइंस है पर हम इसको अगर पालन कर लेते हैं महीना भर तक, तो अच्छी तरीके से हम इसको काफ़ी हद तक जो कोरोना का स्प्रेड है उसको काबू कर पाएंगे। सभी को आम जन को क्या संदेश, आम जन को यही संदेश देना चाहूँगा आपके मार्फत कि जो सख्ती करने की मंशा है सरकार की वो यही है कि कोविड जिस स्पीड से बढ़ रहा है, पिछली बार जो 6 महीने के बाद जो पीक अक्टूबर में आई थी वो 15-20 दिनों में उससे दुगनी स्पीड से केसेस हम देख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में केसेस की संख्या बहुत अधिक है। तो ये अगर टाइमली हम इसको सब ने एक जिम्मेदार व्यवहार करके इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये नंबर्स बहुत बढ़ सकते हैं और फिर जो आमजन है उनको ही सबसे ज़्यादा कठिनाई इसके अंदर होगी। तो इसलिए मैं आपके बारे में सबसे निवेदन करता हूँ, सबसे आग्रह करते हैं कि आप केवल मात्र आवश्यक हो तभी अपने घर से निकले और जो आपको डायरेक्शन सरकार की, शासन की तरफ से आ रहे हैं और गाइडलाइंस की पालना करने की जो बातें उसकी पूर्णता पालना की जाए। सर, क्या जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि जांच अभी कुछ बहुत कम हो रही है, एक स्थान भी कम है। जैसे जांच अभी हमारी लगभग 1500 हो रही है, 1500 अगर कम वाली बात नहीं है, 1500 ठीक ठाक जाँच है और क्योंकि अब थोड़े पॉजिटिव केसेस पिछले 2-3 दिन में थोड़े बढ़े हैं तो जो उनके कॉन्टैक्ट्स के जो सैंपल है वो अब बढ़ जाएंगे तो ये 1500 का फिगर थोड़ा बढ़ेगा और ऊपर जाएगा। पर हम शुरुआत से ही, पहले भी हमने जब पिछला अपना सितंबर अक्टूबर था तब भी हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम सैंपल लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पॉजिटिव आए भी तो भी उनको आइसोलेट करें, वही स्ट्रेटेजी हम फॉलो करके उसी पर काम करें। कंटेनमेंट जोन को लेकर के सर कुछ काफ़ी जो है भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो उसको लेकर सर क्या? कंटेनमेंट जोन में हम जो हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स है उन एरियाज़ को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं जहाँ पे छोटे या आप कह लीजिए कि नज़दीक के अंदर ही एक गली मोहल्ले में ही 5-7 पॉजिटिव पेशेंट्स आ जाए वहाँ हम बलिया लगा कर वहाँ पर आवागमन भी रोक रहे हैं, वहाँ कुछ घरों को भी हम उसमें बैरीगेड लगा रहे हैं। तो मंशा इसकी ये है कि एक तो क्योंकि उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड है कोरोना का वायरस का, तो दूसरे लोग वहाँ कम जाए, मूवमेंट नहीं हो और साथ ही लोगों के अंदर एक इस बात की सावधानी आए कि अगर ज़्यादा कहीं पर भी ये स्प्रेड फैलेगा तो वहाँ पर फिर हम उसको नो मूवमेंट जोन बनाएंगे।